नमस्कार दोस्तों, मोगरा मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 पेन किलर टैबलेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। इनमें से कोई भी दवा या मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। केवल आपको हर मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मेडिसिन के रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो की पहली मेडिसिन है आइबुप्रोफेन। ब्रोफेन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन है, और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज़ सिर दर्द, दांतों में दर्द, मासिक धर्म में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द और गठिया जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। और इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ये ब्रोफेन के नाम से काफ़ी ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है, जो कि ब्रोफेन 200, ब्रोफेन 400 और ब्रोफेन 600 और ब्रोफेन MR के नाम से चलता है। अब हम बात करते हैं दो नंबर की पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन के बारे में। इसमें डाइक्लोफेनिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा चलने वाली पेन किलर मेडिसिन है, और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये बुखार, सिर दर्द, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटिक दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, आँखों में दर्द के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ये वोयरन एसर 100 के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें वोवेरन 50 मिलीग्राम और वोवेरन 75 मिलीग्राम भी आती है, और इनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यह बहुत सारे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब हम इसके बाद हमारी तीसरी पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन है निमोसलाइड मेडिसिन। इसका इस्तेमाल अचानक होने वाले दर्द में किया जाता है, जैसे कि पीठ में दर्द, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द, सिर के लिए। और इसके ब्रांड के बारे में बात करें तो नाइस के नाम से काफ़ी ज़्यादा चलती है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अब हम लेते हैं अगली मेडिसिन एसिक्लोफिनाइल। ये भी काफ़ी ज़्यादा चलने वाला पेन किलर मेडिसिन है, और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन से राहत देता है। और इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो जीरोडल पी टैबलेट के नाम से काफ़ी ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है, जो कि आपको ये मेडिसिन कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने वाली मेडिसिन है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगली मेडिसिन लेते हैं ट्रामाडोल। ये भी बहुत ही अच्छा पेन किलर मेडिसिन है, और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये मेडिसिन किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है, ऐसे समय में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कोई कोई पेशेंट को दूसरे मेडिसिन देने से अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसे समय में इसका उपयोग किया जाता है या इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगली मेडिसिन लेते हैं पैरासीटामॉल। इसके बारे में तो हर कोई जानता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बुखार के लिए किया जाता है, और इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि कालपोल, डोलो, T90, पैराग्रेड, ये सब इसके ब्रांड नेम है। और इसका इस्तेमाल बुखार, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द के लिए किया जाता है। ये एंटीपायरेटिक और एनर्जेसिक में दोनों काम में आते हैं। अब हम इसके बाद लेते हैं पैरोक्सिकैम। ये मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बच्चों के चोटों के दर्द में किया जाता है। इसके ब्रांड के बारे में बात करें तो ये डोलोनिक्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा चलता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला मेडिसिन है। अब हम अगली मेडिसिन लेते हैं मेप्रास्पास टैबलेट। ये ब्रांड नेम है, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड आता है। और इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। ये आपको कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज की वीडियो की आखिरी वाली पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन केटरोलैक। इसका इस्तेमाल दांत के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि केटरोल डीपी के नाम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलती है। और ये टैबलेट पानी में घोल के लेना पड़ता है। दांत का कौन सा भी दर्द हो, ये टैबलेट लेने से तुरंत आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे पॉपुलर पेन किलर
मेडिसिन जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सी भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले कभी भी अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इनका सेवन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।